दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि आप जब भी तहसील में धारा 107, 116 दंड प्रक्रिया से आते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, शांति भंग करने के मामले में पुलिस जो होती है वो उन पर मुकदमा लगा देती है, जो कि मुकदमा जो होती है उनकी जमानत जो होती है तहसील से ही हो जाती है। जैसे मान लीजिए 107 है, 116 है, या मान लीजिए मिनी गुंडा एक्ट है, कुछ ऐसी होती हैं, उनकी जमानत जो होती है तहसील से ही हो जाती है। उनके लिए आपको ये कुछ इस प्रकार से जो हैं फॉर्म भरने पड़ते हैं। ठीक है, फॉर्म मैं आपको दिखा दूँ कि ये फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म में अनपेज भी हैं, तो मैं बताऊंगा कि आपको, जैसे आपके पास कोई जमानत के लिए आया तो आपको क्या करना है, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई 107 116 का जमानत कराने आया है तो सबसे पहले आपको एक प्रार्थना पत्र लेना पड़ेगा और ये फॉर्म लेना पड़ेगा। प्रार्थना पत्र जो भी है, आप उप जिला मजिस्ट्रेट के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा। प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं, इसका मैंने पूरा वीडियो बनाया है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इससे पहले मैं कहूँगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए अब जानते हैं पहला फॉर्म कैसे भरेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो व्यक्ति जमानत कराने आया है यहाँ पे उसका नाम, ठीक है, मैं यहाँ पे ए मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ए, और ए के पिता का नाम, ठीक है, और उसका ग्राम, मोहल्ला, थाना जिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिला, और यहाँ पे 50,000 रुपये, क्योंकि 50,000 का बॉन्ड लगता है, यहाँ पर उसके दस्तखत आप करवा लें, यहाँ पर आप दिनांक डाल दें। ठीक है, देखिए उसके बाद उसी फॉर्म में एक इस प्रकार का भी आपको प्रोफार्मा मिलता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष परीक्षण के दौर जमानत नामा। तो देखिए, एक व्यक्ति की जमानत करने के लिए दो व्यक्ति को दो जमानतकर्ता चाहिए, तो फर्स्ट जमानतकर्ता, सेकंड जमानतकर्ता। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट जमानतकर्ता जो है उसका नाम है बी, तो बी का नाम यहाँ पर डालना है और बी के पिता का नाम, बी का पूरा पता यहाँ पर डालना है आपको। ठीक है, दूसरा जो जमानत करता है वो है सी, तो यहाँ पे सी का नाम, सी के पिता का नाम और पूरा पता यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे उक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध में परीक्षण के न्यायालय, जिसमें कि देखिए यहाँ पे उक्त जो भी व्यक्ति है, क्योंकि ए की जमानत हो रही है तो यहाँ पे ए का नाम डालना है। ठीक है, और यहाँ पे रुपयों की जब्ती के आधार पर सरकार को यहाँ पे जो भी आपके रुपये हैं, यानी कि 50,000 जो है उनका 50,000 की जमानत गिर लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिनांक, ठीक है, और यहाँ पे महीना, और यहाँ पे ईयर आपको डालनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दोनों जमानतकर्ताओं के साइन होने, जमानतकर्ता के साइन कुछ इस प्रकार करें, जो पहला जमानतकर्ता है बी उसके आप यहाँ पे साइन करवाएं, ठीक है, यहाँ पे, और जो दूसरा जो सी था उसके आप यहाँ पे साइन करवाएं, जो भी साइन, ठीक है, इसी क्रम में साइन करवा सकते हैं। देखिए, उसके बाद आपको दोनों जो भी जमानतगीर हैं उनके शपथ पत्र भी देने पड़ेंगे, जो कि इस फॉर्म में आपको मिलेंगे भरने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे टिकट तो लगा ही होगा, यहाँ पे उनकी फोटो लगा लें, जो भी जमानत करता है पहले फर्स्ट का भरें। ठीक है, फर्स्ट का आपने भर लिया, यहाँ पे उप जिला मजिस्ट्रेट, उसका न्यायालय का नाम, ठीक है, और जो भी धाराएँ हैं वो, थाना करहल। उसके बाद जो जमानतकर्ता था पहले का आप भरेंगे, यानी कि पहला जमानतकर्ता का नाम बी था, तो बी का यहाँ पे नाम, बी के पिता का नाम, बी की जाति, निवासी और जो भी थाना है वो आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे मैं शपथ करता हूँ कि मैं संपत्ति में स्वामी हूँ, किसी के कारणवश ऋण मुक्त उपरोक्त प्रतिभु करने के लिए पृथक नहीं करूँगा। संपत्ति का विवरण, यहाँ पे आपको संपत्ति का विवरण देना है। यार मान लीजिए किसी गाड़ी के कागजात हैं तो वो देना है, या मान लीजिए आपने खतौनी लगाई, अक्सर खतौनी लगाई जाती है तो यहाँ पर लगा सकते हैं कि भाई इस ग्राम में मेरी ये ज़मीन है, इस गाटा संख्या की, खाता संख्या की जो भी है वहाँ पर मैंने खतौनी लगाई है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए बी का आपने भर दिया है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे जो होता है साइन का ऑप्शन और होता है, यहाँ पे जो होते हैं आप बी के दो जगह, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी के दो जगह यहाँ पर हस्ताक्षर करवा सकते हैं और आप यहाँ पे दिनांक भी डाल सकते हैं। अब बारी आती है भाई सी की, भाई पहले वाले का आपने पूरा फॉर्म तैयार कर दिया, अब सी का भी आप शपथ पत्र तैयार। अब देखिए, सी का जो शपथ पत्र है वो सेम टू सेम उसी प्रकार है, यहाँ पर आपको फोटो लगानी है, वो वही डालने हैं, ये भी, और देखिए यहाँ पर जो भी सी का नाम हो, सी के पिता का नाम, सी के निवासी कहाँ का, सी का थाना, और जो भी सी ने प्रॉपर्टी लगाई है उस व्यक्ति का जो भी प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे देना है आपको, और सी के दो जगह यहाँ पे साइन और दिनांक आपको डालनी है। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण ये है कि भाई जिन लोगों के, इन लोगों के जो भी दस्तावेज प्रॉपर्टी की जो भी दस्तावेज लगाए हैं उन पर साइन सत्यापन आप करवा लें। ठीक है, आधार कार्ड हो उस पर भी, दोनों लोगों के आधार कार्ड ले लें, उनके साइन करवा लें, और जो भी व्यक्ति की जमानत हो रही है उसका भी आधार कार्ड लेके साइन करवा लें, प्रार्थना पत्र लगा लें और जीएसडीएम न्यायालय में आप जमानत करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और भी आपकी कोई महत्वपूर्ण कोई जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियो में अवश्य कमेंट करें।